पहले भी कुछ महीने पहले सीतामढ़ी में बाघ, चीता या तेंदुआ या फिर किसी ऐसे आदमखोर जानवर की सूचना मिलती। वहीं रामनगरा में ये देखा गया था कि महिला को उसने घायल किया था और महिला के हाथ में बड़ा सा एक कट का निशान भी था। वहीं आज एक सोशल मीडिया पे सीतामढ़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को में ये बताया जा रहा है कि भाई ये वीडियो जो है वो भव प्रसाद की है, वार्ड नंबर 4 की है। हम भव प्रसाद वार्ड नंबर 4 पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम खेत में घास काट रहे थे, इस दौरान उन्होंने चीता या तेंदुआ को देखा। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों को काटा है। हम और भी लोगों से बात करें, क्या सच में यहाँ चीता या तेंदुआ आया था या फिर ये जो वीडियो है ये वीडियो फेक है, इसकी पुष्टि हम यहाँ ग्रामीणों से करेंगे। वैसे यहाँ RFO की टीम यहाँ पहुंची है, उनसे भी हम बात करेंगे। तक के समय में देखा, देखने के बाद सुबह कितने बजे गए थे? 8 बजे। अच्छा, देखने के बाद में मतलब हमको बात के कोई बोला के झूठ बोल रहा, मैं बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा। कोई और बच्चे गया, कोई और बच्चे देखे, उसके बाद में सियान भी देखे, सही कहता। मैं बाघ को देखा, दो आदमी को घबायल भी कर दिया, अच्छे तरह से ही कर दिया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को खबर हुआ, पूरे पुलिस वाली चौड़ी में गया हुआ है। अगर हम लोग वहाँ भल्ला लेकर घूम रहे हैं, लाठी पहना लेकर घूम रहे हैं, तो पुलिस वाला मार मार को भगाता कि मैं इसको समझूंगा, तुम लोग जाओ। अगर पुलिस वाले ये भल्ला है, मैं अपना सुरक्षित के लिए रखा हुआ हूँ कि मेरे अगर सामने आया तो मैं मार सकता हूँ, नहीं तो मेरे को भी काट मार ही सकता है। वो तो बहुत सुरक्षा के लिए लेके घूम रहे हैं, सुरक्षा को लेके सुरक्षा, अपने सुरक्षा के लिए मैं लेके घूम रहा हूँ। अब पुलिस वाले हम लोग को भगा रहा है, अगर चीता ना पकड़ा है तो रात में पता नहीं कि कितने आदमी को घबायल करेगा वो। मैं विनय बिहारी बोल रहा हूँ, विनय बागले, भव प्रसाद से, डुमरा से। अच्छा बागले जी, जब इतना सारा लोग देखा तो क्या चीता एक ही जगह पर रुका हुआ था? एक ही जगह था, मकई में सूता हुआ है, उसी में है। आप पुलिस वाला डरे नहीं जाता है, हम कहते हैं पुलिस वाला के चलिए हम भी चलते हैं आपको साथ में, तो पुलिस वाला हम लोग को भगा रहा है कि हम समझेंगे। हम कहते कि सर आप भी चलिए, मकई में सूता हुआ है, हम दिखाते हैं आपको, हम अकेले जाएंगे तो हम तो खाइए जाएगा, आप लोग जाते ही नहीं रहे, बंदूक लिया हुआ। आपको बता दें सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि तेंदुआ जो है तेज रफ्तार में भाग रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ जो महिला है ये कह रही है कि इनके इन्हीं का वो खेत था जहाँ आखिरी बार चीता को देखा गया था। अच्छा आप क्या देखे दादी? चीता के कहाँ देखे? दादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। खेत में, आपके खेत में था? था। तो कितने देर पहले देखे? 3 बजे के ना होता ना तो 9 बजे से ही, 9 बजे से ही इधर के वही लमन हमरे खेत है, वही लमन हमरे खेत है। मतलब आप ही के खेत में था? था। अच्छा सुनने में है कि दो लोग घायल हो गया है। हाँ दूगो है, दूगो है। अच्छा दो लोग, कौन कौन लोग था? जादव है। अच्छा तो घायल सबको भी कहाँ है? डंगडरी में सरदार हॉस्पिटल। आप अपने आँख से देखे हैं कि? हाँ आँख से देखे है, हम झूठ के ना बोला, एगो देवर हो तो एगो दोनों तो देवरे हो, तो हम देखम के ना हमरे समांग हम ना देखम। कथी देखले हुआ? चीता देखे भैया। चीता देखले? केन रंग के रहले चीता? चीता कैसन हो? जैसन हो जैसन देख लिए हम तो दोनों ता बताइए। लाल हो तो बताओ ना। लाल था भैया, हम लोग तो लाल था भैया। कितना देर पहले देखे हैं? हम लोग देखे हैं लगभग 12 बजे देखे। 12 बजे? हाँ 12 में कुछ कमी था थोड़ा बहुत। अच्छा कहाँ पर देखे, कहाँ था चीता? हम लोग चौड़ी में था, पेड़ के ऊपर हम लोग चढ़ के देखे। पेड़ के ऊपर चढ़ के देखे? हाँ। अच्छा क्या देखे हैं चीता? चीता के चीता को देखे हैं? हाँ। कितना देर पहले देखे हैं? हमें देखे 12 बजे करीब। 12 बजे करीब देखे हैं? एकदम आप मतलब सामने से देखे? सामने हटने से देखे हैं। चीता था, सूता डाल दिया, सूता था। हाँ हरी काट में घास कटा हुआ है, घास काटे थे। अच्छा आप घास काट रहे थे? हाँ घास काटे हैं। घास काट रहे थे तो क्या देखे हैं चीता को? चीता का देखे सूता हुआ। सूता हुआ था? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या किया? हम पछाड़ी में दब गया। पछाड़ी में दब गया? हाँ। कथी देख लगा हुआ? चौथी के बाघ के देख लगा लोग का चीज तेंदुआ रह लिया। हाँ तो ओकरे या बाघ आ वो सब वो कहबे करे छे हमरा सब के अपने सब कहे जैसे कि तू देख लगा हुआ चीता एकदम आँख से देख ली तो आँख देख ली। हाँ खेटल का हमरा सब के यार। तोरा खेटल? हाँ। किने भगल खेटल? मकई में। अच्छा तो तू कहाँ पर रहला था? निकट लो था घर तर? घर तर नंद किशोर काटा है? हाँ। नंद किशोर घर कहाँ है? यहाँ पर। नंद किशोर कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में गया। कौन हॉस्पिटल में गया?
वो पता नहीं है। अच्छा, जब आपको जानकारी मिला कि भाई आपके गांव में बाघ या चीता है, तो मतलब प्रशासन को सूचना दिए थे क्या? सूचना दिया गया था 8:30-9:30 बजे, 10 बजे के बीच में उनको बताया गया है। डुमरा थाना, डुमरा थाना को भी और जन वन विभाग को, वन विभाग को, हाँ वन विभाग को बताया गया, तो वो आए हैं, थोड़ा लेट से आए हैं। और वो भी जो मान लीजिए आप आए हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर जो है सो आप अपना प्रशासन जो है सो चारों तरफ से घेरिए, उसको निगरानी कीजिए कि कहाँ पर है। अब वो निगरानी वहाँ पर जो है चाय नाश्ता उधर पानी तानी पी रहा है, और लोगों को कह रहा है कुछ हो तो भगा रहा है उन लोगों को। अच्छा, मतलब सुबह 9:30 बजे प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन की टीम कितने बजे यहाँ पहुँची है? प्रशासन तो आ गया है 12 बजे आ गया है, बाकी वन विभाग की टीम 4 बजे है। वन विभाग की टीम मतलब अभी आई है? अभी आया है 4 बजे। क्या अभी गांव का माहौल क्या है लोगों का? गांव का माहौल में गांव का लोग जो है सो मान लीजिए भयभीत है कि मान लीजिए बगल में सब घर है, रात बिरात किसी पर हमला कर दे, इसलिए भयभीत है सब। मवेशी है, जानवर है, बच्चा है, मान लीजिए बगल में घर है, चोरी में आना जाना लगा हुआ रहता है लोगों को, तो उसके लिए जो है सो कम से कम मान लीजिए प्रशासन पूरा टाइट नहीं दिख रहा है, वन विभाग का टीम भी टाइट नहीं है, गाड़ी बगल में है, एक जाल लाए हुए वो भी गाड़ी में है जाल, खाली हाथ जाके वहाँ पे खड़े ग्राउंड पे, तो वहाँ पे कम से कम जो है आदमी पूरा टाइट हो, वो खुद डरे हुए हैं कि ना जाने किधर से। पुलिस वाले भी डरे हुए हैं? पुलिस वाले भी डरे हुए हैं, मान लीजिए उनको तो इस चीज से वाकिफ रहता है, तो उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो है इस पे ध्यान ना दे के अपना साइड में है जो लोग है, मान लीजिए ठीक है बच्चा है उसको भगा रहे, अच्छा बात है, क्योंकि कब किस पर हमला कर दे कोई जानता नहीं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम जुड़ सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई खबरें मिलती है तो जिला प्रशासन को सूचना दे, और अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।